सक्रियो आ गए, ये मोटर के साथ कपलर आ गए, ये इसकी बेस के लिए, ये फिक्स्ड कॉलम, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल, ये डिफरेंट आइज की अलकीज हैं, अलकी स्क्रूज हैं, अलकी पेज हैं, ये उसकी फिटिंग में हेलिक्स हैं और ये मोटर्स हैं। हम आज बस बेस जोड़ेंगे इसकी और आपको बताएंगे कि बेस किस तरह जुड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये 80 मिलीमीटर वाले रॉड रहेंगे, ये थोड़ा बहुत हम इसे अरेंज कर लेते हैं चीज़ों को। ये दो ये रॉड आ गए 380 मिलीमीटर वाले, और ये रॉड्स हैं इनमें हमारे पास 360 मिलीमीटर वाले, इन हमने इसे अरेंज करना है कुछ इस तरह। तो लेट्स स्टार्ट। स्पेस थोड़ी हमारे कम है, चलिए कोई बात नहीं। इसमें हल्की माउंट है तो ये बहुत ही इफेक्टिव हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब ये That was a very good slide. Smooth. इसका हमें देखना है कि हमारी जो उनकी लेंथ है वो 200 मिलीमीटर हो। टू हंड्रेड मिलीमीटर लेंथ रख दिया हमने और यहाँ एलकी से टाइट करेंगे हम इस ब्रैकेट को। यार शाम एक भी बंदा नहीं देखा कुछ नहीं, बाद में इंटरेस्टेड हो जाएगी। हमारे पास शामरो आप ना जो टाइट करते हो एलकी वो इस साइड इस एंगल से ज़रा घुमा के, अभी वो दूसरी तरफ काफ़ी अच्छी स्टार्ट होगी ना। चले ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे काफ़ी आपने अच्छी तरह टाइट करना है। और अभी मैं इसे नॉर्मली कर रहा हूँ, जब मैं इसे अच्छी तरह टाइट करूँगा, क्योंकि एलकी के रूल्स हैं कि ये आप जब अपने फुल फीस फिक्स टाइट करना होता है उसकी छोटी साइज यूज करते हैं। यस अच्छा, हम भाई बहुत अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इनको फील्ड में एक्सपीरियंस जो है वो भी तकरीबन 3.5 साल का। ये हमने इस साइड से फिक्स किया है और इस ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसे हम ये वाले फिक्सर यूज़ कर रहे हैं। अभी सर कौन से फिक्सर? ये एक्सटर्नल फिक्सर है और ये इंटरनल फिक्सर, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने अभी इंटरनल फिक्सर यूज़ किया, ये इंटरनल जॉइंट इंटरनल फिक्सर जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर बना देता है इसको। सर इसमें आप कौन से फिक्सर यूज़ करेंगे? मैं इंटरनल फिक्सर यूज़ करूँगा क्योंकि इसे खूबसूरत बनाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, आप इसे यानी कि आप फिक्सर को शो नहीं करना चाहते इसको? ऐसे फिक्सर कर क्योंकि बेस में इसके मैं चाह रहा हूँ कि बस फिक्सर इसके शो हो। ठीक है, जो कि नीचे चले जाएंगे आपको नज़र नहीं आएंगे और वो मजबूती भी होगी और नज़र भी नहीं आएंगे।
There was a nice connection at Chambro. कंस्ट्रेंड हो जाए इसे भी हम बिल्कुल 90 डिग्री पर रखेंगे इसमें इसका बहुत सही है परपेंडिकुलर बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि अगर ज़रा सी अलाइनमेंट ख़राब होती है तो सारी मोशन का बेड़ा गर्क हो सकता है ये उर्दू हिंदी में हम इसलिए बना रहे हैं ताकि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत से जो उनसे हैं 3D प्रिंटर बनाने वाले घर में लोकल मैनुफैक्चर कर सकते हैं इसलिए हम टाइट कर देंगे अगर हम एक्सटर्नल फिक्सर पर भी लगाना चाहें तो दो मिक्सर लगा सकते हैं हम इसकी बेस पे दो लगाएंगे ताकि ये अभी लाइव वीडियो वैसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि बैटरी मेरी कम रह गई है चलें ठीक है अल्लाह हाफ़िज़ इसमें अब हम यूज़ करेंगे अब तो एडिट दूसरी तरह करेगा हाँ